मेरे साथ दो ऐसे टैलेंटेड कलाकार हैं जिनके सेलिब्रेशन कहें या हिट पर हिट पर हिट फिल्म्स का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। मैं बात कर रही हूँ आलिया और रणवीर की। गली बॉय के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी और मेरे चैनल की तरफ से। मतलब एक के बाद हिट और दूसरे के बाद हिट और तीसरे के बाद हिट, मतलब आप सिक्सर मार रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे थैंक यू के अलावा भी? और कुछ नहीं कह सकते, यही कहेंगे कि एटलीस्ट ये जो आपका प्यार है और गुड विशेस है, आई थिंक समथिंग इज वर्किंग वेल। और हम फिंगर्स क्रॉस रख रहे हैं, अभी काफी कम दिन रह गए हमारे रिलीज को, तो ज्यादा तारीफ ना करके मॉडेस्ट बन के हम लोग स्माइल करेंगे। इंटरव्यूज में मॉडेस्ट क्यों रहना पड़ता है? मतलब सक्सेस है तो एंजॉय करनी चाहिए, नहीं रहनी? नहीं, ऐसा नहीं है यार, अगर आप दिल से अगर मॉडेस्ट हैं तो आप मॉडेस्ट ही मतलब 260 करोड़ टच किया है आपकी फिल्म ने, सोलो ब्लॉकबस्टर, मतलब जो सिलसिला शुरू हुआ था पद्मावत के साथ वो दिसंबर में आके रुका, तो मतलब इतने धड़ल्ले के साथ रुका। धड़ल्ले, आई लाइक दैट वर्ड, वेरी नाइस, धड़ल्ले के साथ रुका। 18 तो मतलब नहीं, काफी कमाल का साल रहा मेरे लिए। मेरी दो सबसे बड़ी फिल्में एक ही साल में, और मेरी जिंदगी पूरी बदल गई। मैंने शादी भी कर ली 18 में, तो और फिर गली बॉय का जो ट्रेलर आया और फिर जैसे जिस तरीके से विस्फोट हुआ, मतलब बहुत बहुत एक्साइटमेंट है। आजकल क्या होता है, आपको पूरी फीलिंग आ जाती है सोशल मीडिया के द्वारा, आपको वन टू वन फीडबैक मिल सकता है और पता चल जाता है जब लोगों को कुछ चीज पसंद आती है, नहीं भी पसंद आती है तो भी पता चल जाता है। तो ट्रेलर को लेके इतना एक्साइटमेंट, फिर म्यूजिक एल्बम को लेके इतना एक्साइटमेंट, तो ये बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा हार्डवर्क है, थोड़ा सा लक है, थोड़ी सी ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है, टीम, पूरी टीम का काम है। तो इट्स नॉट वन थिंग और जस्ट अस इन पर्टिकुलर, बहुत सारी चीजें जुड़कर ऐसी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। राइट, दोनों से जानना चाहूंगी, लेकिन टाइम अच्छा है, टच वुड, जय झूलेलाल, आपका टाइम आ गया है। सो आप दोनों से जानना चाहूंगी कि ऑब्वियसली हर फिल्म पे मेहनत होती है, लेकिन फिल्म की फेट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जब जिस दिन ट्रेलर रिलीज हुआ, it just became like a rage on the you know all the social media platforms. Expect kiya tha is tarah? Mere expectation se kafi upar gaya ye. Nahi, ha, I think nahi, humne khud kafi discuss kiya ke is tarah ka response humne expect nahi kiya tha. Hame hum sabhi ko trailer bahut pasand aaya tha, par is aise me, I think maine kuch 10-11 filmein kiye hai, and for all of the films put together I think इस फिल्म का रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा पॉजिटिव था। एंड इन अ वे नॉट लाइक आई वुड लाइक टू कंपेयर, बट यूनैनिमसली पॉजिटिव था। कुछ मुझे कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसे हाफ बेक्ड वाला रिएक्शन भी नहीं मिल रहा था। कोई एक चीज पॉइंट आउट करना चाहेंगे, धड़ल्ले, विस्फोटक, धड़ल्ले के साथ आया ट्रेलर, यस, पॉइंट आउट करना चाहेंगे रणवीर, तो क्या मतलब व्हाट हैज वर्कड इन दिस गली बॉयज फेवर की सब लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? मुझे इसके लिए हिंदी का इक्विवेलेंट वर्ड नहीं पता, बट आई थिंक इट इज टू डू विद ऑथेंटिसिटी। मुझे क्या लगता है कि जैसी हमारी दुनिया बन गई है ना आजकल, सोशल मीडिया है, वी आर ऑल एज अ सोसाइटी एक वी आर सेट अप फॉर स्मोक एंड मिरर्स, वी आर यू नो लिविंग अ लाइफ वेयर प्रोजेक्शंस प्ले अ लार्ज पार्ट। ऐसे माहौल में क्या हो गया है ना कि जो नौजवान है दे आर नाउ उल्टा हो गया, दे आर नाउ थर्स्टिंग एंड सर्चिंग फॉर समथिंग दैट फील्स ऑथेंटिक। तो आई थिंक ऑथेंटिसिटी हैज बीन अ टॉप प्रायोरिटी फॉर द फिल्म मेकर्स, कि हर लेवल पे वो चाहे लोकेशन है जहाँ शूट हुई है फिल्म, चाहे डायलॉग्स हैं, चाहे लव्स हैं, चाहे वो किसने म्यूजिक बनाया, असली गली बॉयज ने उस म्यूजिकल एल्बम में कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने लिरिक्स दिए हैं, उन्होंने गाने बनाए हैं, तो एक ऑथेंटिसिटी की लगाम को पकड़कर इस फिल्म को बनाया गया, और वो आई थिंक रेजोनेट हो रहा है नौजवानों के साथ। म्यूजिक की आप बात कर रहे हैं, हम और इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रैप तो बनता है। कौन सा रैप सुनेंगे पंटा है? आई अपना टाइम आएगा।
अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से, तोड़ जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। वाओ ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी चीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों क्यों अपना टाइम आएगा, क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या, घंटा लेके जाएगा, यू नो इट बडी, या आई नो बिट ऑफ इट, सो मतलब हमेशा से आप तो इतना अच्छा रैप करते हैं, पहले भी हम सुन चुके हैं, नहीं पहले मैंने बहुत वाहियात किस्म के रैप किए थे, पहली बार लाइफ में ढंग का रैप किया है मैंने, हाँ मतलब ठीक है, दिस इज कहना चाहिए कि बहुत एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्टिस्ट के जैसे है, लेकिन पहले भी आप इतने बुरे नहीं थे रैप में, मेरी ट्रेनिंग बाकायदा की है डिवाइन भाई ने की है मेरी ट्रेनिंग जिस भी आर्टिस्ट के फ्लो में मुझे फ्लो करना था, चाहे वो काम भारी हो, स्पिट फायर हो, डिवाइन हो, उनको स्टूडियो में वो आते थे और सुपरवाइज करते थे, और अलग अलग फ्लो है क्योंकि वो उनकी लिखाई अलग है, मीटर लिखाई का मीटर अलग है, फ्लो अलग है, तो डिवाइन अलग तरीके से फ्लो करते हैं, काम भारी अलग तरीके से फ्लो करते हैं, स्पिट फायर अलग तरीके से, तो बहुत ही क्रिएटिवली रिवॉर्डिंग और फुलफिलिंग एक्सरसाइज रहा, होपफुली आगे जाके मैं खुद के खुद से भी लिख के कुछ अपना भी फ्लो ढूंढूंगा। So, are you giving me a news that you will release your album sometime, someday? ये मत करो, बोलते बोलते क्यों रुक रहे हैं? वो हम आपसे बात कर रहे थे, कंटिन्यू हमारे साथ अजीम फनकार हैं, जिनकी गायकी के बारे में मैंने हाल ही में मुझे पता चला, गायकी तो मतलब कब से चली आ रही है, बद्रीनाथ की बात करो या फिर उससे पहले, कहाँ से शुरू हुआ था ये दौर? एक्चुअली हाईवे से शुरू। कौन सा गाना गाती थी आप उस वक्त? आपका नंबर है? डिफिकल्ट होता है। अच्छा, जिस तरीके से मैं बिल्कुल गा नहीं पाता शायद से आलिया जी बिल्कुल रैप नहीं कर पाती। नहीं यार, आप रैप तो मतलब इजी है, आप मतलब रैप इज लाइक आई डोंट नो, दैट्स अ जो फ्लो है। ओके, आप गा दीजिए। हाँ, क्या गाऊं मैं? जो भी आपको अच्छा लगता है, एनीथिंग ऑफ योर फेवरेट। इन्होंने रैप लिखा है। ये रिवील मॉडस्ट बन रही है। कौन सा रैप लिखा है? आफत की पुड़िया में पापी हूँ गुड़िया में। दैट्स ओनली टू लाइंस, दैट्स ऑल आई नो। एक आलिया रैप है। आलिया रैप है फिल्म में। चलिए, वो आलिया रैप को आप गा दीजिए। आलिया रैप है नहीं वैसे फिल्म में, पर मैं आपके लिए कुछ भी और गा सकती हूँ अगर आप मुझे बस गाना बता दें, क्योंकि मेरा दिमाग अभी चल नहीं रहा है गाना सोचने के लिए। हम्टी वाला गाना गा दीजिए, या वो बहुत ही खूबसूरत गाना था, समझावा। या समझावा। मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार हार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, जान मेरी। बहुत खूबसूरत डेथ। अब आप दोनों मुझे बताइए कि कौन सा वो दिन था करियर का या जिंदगी का जिस दिन आपको लगा कि आज मेरा टाइम आ गया? अभी तक वो आया नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे मत बोलो, अभी तक टाइम नहीं। ट्रिपल थ्रेट एक्टिंग डांसिंग सिंगिंग। बताइए I don't think मेरा time अभी तक आया है। Oh really? I don't think so. I feel madam आपका। Okay, तो आपका time क्या होगा? I feel ये साल मेरे लिए काफी critical है। Critical मतलब काफी interesting रहेगा, because I have three very important films coming out. गली बॉय, कलंक and ब्रह्मास्त्र। तो मेरा time अभी तक आया नहीं। तीन बड़ी फिल्में एक साल में, my god। I think आपका आ गया है। नहीं, उनकी लास्ट फिल्म जो थी वो साल के शुरू में रिलीज हुई थी जी, राज। तो वो राजी, तो उसके बाद मुझे लगता है इस साल जो उनका जो 2018 का जो बाकी बचा हुआ टाइम था वो 2019 में पूरा होने जा रहा है। फॉरवर्ड हो गया। आप बताइए।